हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 6 मंथ्स ओल्ड बेबी एकाक्ष की फुल डे रूटीन। इस वीडियो में मेरा बेबी अभी 6 मंथ्स 20 डेज ओल्ड है। Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. सुबह 7:30 अराउंड पुच्चू उठ गया था और उठने के बाद मैंने इसका डायपर ओपन करवा के इसके प्राइवेट पार्ट्स क्लीन कर दिए थे। इसके बाद मैंने इसे एक फीड दे दी थी। आज संडे का दिन है तो मेरी बड़ी बेटी अमायरा की भी हॉलीडे होती है। थोड़ी देर के लिए मैं इन दोनों को धूप में बैठा देती हूँ। मेरे रूम के अंदर ही बहुत अच्छी धूप आ जाती है। यहाँ पर फ्लोर पर मैं मैट्रेस डाल देती हूँ और बच्चे यहाँ पर बैठकर धूप सेकते हैं और एक अच्छी सी विटामिन डी इनको अंदर ही मिल जाती है। इन बिटवीन मैं पुच्चू के लिए ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ। आज मैं कैरेट प्यूरी बना रही हूँ। कैरेट को अच्छे से धोकर मैं यहाँ पर छील लेती हूँ और छीलने के बाद मैं इसे पतला पतला चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद एक स्टील के पैन में चॉप की हुई गाजर मैं ऐड कर देती हूँ और साथ में ऐड करती हूँ 1.5 कप पानी का। कवर करके मैं इसे 15 मिनट्स के लिए कुक करती हूँ। लो मीडियम फ्लेम मैं इसकी हमेशा रखती हूँ। गाजर को पतला काटने से गाजर जल्दी कुक हो जाती है। 15 मिनट के बाद मैं एक बार इस तरह से चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे से कुक हो चुकी है या नहीं। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ और फिर ब्लेंडिंग जार में डालकर इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। मैं इसमें वही पानी ऐड करती हूँ जो मैंने इसे बॉयल करते हुए डाला था। गाजर को मैं थोड़ा गर्म ही ब्लेंड करती हूँ क्योंकि ब्लेंड करने से वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और ब्लेंड करने के बाद मैं इस तरह से चेक कर लेती हूँ ताकि गाजर में कोई लम्स ना रहें। सुबह मैं पुच्चू को ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल प्यूरी या कोई फ्रूट खिला देती हूँ और हमेशा मैं इसे ल्यूकवॉर्म फूड ही सर्व करती हूँ। पहले मैं पुच्चू को एक मील सिर्फ दिन में देती थी, फिर मैंने 2 देना शुरू किया। अब मैं 3 मील इसे दिन में देती हूँ। जब भी मैं पुच्चू को कोई न्यू वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करती हूँ तो वो सेम वेजिटेबल मैं नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए उसको फीड करवाती हूँ ताकि अगर उसको किसी भी तरह की एलर्जी हो तो मैं इजीली मॉनिटर कर सकूँ। खाना खिलाने के बाद मैं वेट टॉवल से उसका फेस क्लीन कर देती हूँ और इसके बाद पुच्चू थोड़ी देर प्ले करता है। अभी उसने बैठना अच्छे से शुरू कर दिया है और विदाउट सपोर्ट वो बैठ जाता है और उसका ग्रिप भी काफ़ी अच्छा हो गया है। टॉयज से उसको खेलना अच्छा लगता है और कोई भी चीज़ आसपास उसे नहीं दिखती है तो उसको वो कैच करने की कोशिश करता है। 10 बजे के करीब पुच्चू को बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी तो जल्दी से यहाँ पर उसने फीड ली और सो गया था। यू नो, ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ को कुछ होता है लाइक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है बिना फीड लिए। और यहाँ पर उसके बाद जल्दी से मैं लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ बिकॉज जब पुच्चू जाग रहा होता है तो मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। तो आज मैं लंच में उसे बनाने वाली थी स्वीट पोटैटो प्यूरी। स्वीट पोटैटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने स्वीट पोटैटो को अच्छे से धोकर छीलकर यहाँ पर पतला पतला काट लिया था। काटने के बाद मैंने एक स्टील का पैन लिया और इसमें स्वीट पोटैटो को ऐड कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा गंदा लगे तो आप एक बार दोबारा से इसे बॉईल करने से पहले धो सकते हो। मैंने यहाँ पर एक बार इसे धो लिया था और उसके बाद इस पैन में 1.5 कप पानी ऐड कर मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। एक हाई फ्लेम पर बॉईल आने दें, उसके बाद मैं इसे सिम करके कुक करती हूँ। और ये 15 मिनट्स में अच्छे से कुक हो गया था बिकॉज़ मैंने इसे बहुत पतला काटा था। इसके बाद थोड़ा गर्म ही जब ये रहता है तो मैं इसे ब्लेंडिंग जार में डालकर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ बिकॉज़ ब्लेंड करते हुए जल्दी से खाना ठंडा हो जाता है। एक बार चेक कर लेती हूँ कि लम्स ना रहें। 1.5 घंटे की नैप के बाद पुच्चू यहाँ पर उठ गया था और उठने के बाद थोड़ी देर वो खेलता है और उसके बाद मैं उसकी मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बाद मैं उसे थोड़ी सी एक्सरसाइजेज करवाती हूँ और पुच्चू शुरू से ही मालिश बहुत इन्जॉय करता है। अभी विंटर्स है तो मसाज के लिए मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। दिन में मैं 2 बार पुच्चू को मसाज करती हूँ। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अभी पुच्चू ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा हाथ पांव इसने चलाने शुरू कर दिए हैं। मसाज करने से वो बहुत रिलैक्स फील करता है और उनकी थकावट भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है।
मसाज और एक्सरसाइजेस करवाने के बाद पुच्चू को मैं यहाँ पर विटामिन डी भी साथ में पिला देती हूँ ताकि मैं उसे भूलूँ ना, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया है, इसके बाद जल्दी से मैं उसे बात करवा कर यहाँ पर अच्छे से ड्राई करके उसे लेयरिंग में कपड़े पहना देती हूँ। सबसे पहली लेयर मैं हमेशा कॉटन की ही पहनाती हूँ बिकॉज वुलन क्लोथ से इचिंग हो जाती है और बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ आज पुच्चू को उसके नानी की बनाई हुई स्वेटर पहना दी है। ये वूल की है और काफ़ी गर्म होती है और ठंड में तो काफ़ी यूज़फुल है। दिन में 1 to 1:30 अराउंड मैं पुच्चू को लंच करवा देती हूँ और ल्यूक वॉर्म करके मैंने स्वीट पोटैटो इसको यहाँ पर खिला दिया था। पुच्चू को स्वीट पोटैटो भी काफ़ी पसंद आया और बड़े शौक से बड़े मज़े ले लेकर इसे खाता है बिकॉज़ इसका टेस्ट भी स्वीट होता है। पुच्चू को पानी पिलाना भी शुरू कर दिया है। तो खाना खिलाने के काफ़ी देर बाद, ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद, मैं इसे फिल्टर्ड, बॉयल्ड एंड ल्यूक वॉर्म वाटर पिला देती हूँ। 1 से 2 चम्मच ये पानी यहाँ पर पी लेता है। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए पार्क में वॉक करने के लिए चले जाते हैं और पुच्चू को भी काफ़ी डिफरेंट व्यू मिल जाता है और बाहर जाकर ये काफ़ी इंजॉय करता है। पार्क में कई बार धूप के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी रहती है तो मैं इसे अच्छे से कैप्स और बूटीज़ पहना कर लेकर जाती हूँ और साथ में एक ब्लैंकेट भी कैरी कर लेती हूँ। यहाँ पर ये काफ़ी मज़े करता है, काफ़ी लोग इससे बात करने भी आते हैं और ये काफ़ी इंजॉय भी करता है। घूमते घूमते यहाँ पर ये प्रैम में ही सो गया था और सोने के बाद मैं इसे जल्दी से रूम में लेकर आ गई थी और इसे यहाँ पर बेड पर मैंने सुला दिया था। ये वाली इसकी लॉन्ग नैप होने वाली है बिकॉज़ ये जो लंच के बाद की नैप लेता है, आराम से 2.5 से 3 घंटे की नैप ले लेता है। उठने के बाद यहाँ पर आजकल इसके दादा दादी और बुआ दादी आए हैं तो यहाँ पर इनके साथ भी ये काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद मैं किचन में आकर डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आज मैं डिनर में सबके लिए लौकी की सब्जी बनाने वाली थी तो मैं पुच्चू के लिए यहाँ पर लौकी की ही प्यूरी बना रही हूँ बिकॉज़ डेली कुछ स्पेशल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो बच्चों को हमें धीरे धीरे वही आदत डालनी पड़ती है जो हम रूटीन में खाना खाते हैं। तो यहाँ पर लौकी को मैंने अच्छे से धोकर छीलकर पतला पतला काट लिया था और एक पैन में 1.5 कप पानी डालकर मैंने इसे 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बॉईल कर लिया था और यहाँ पर ये कुक हो गई है। कुक होने के बाद थोड़ा सा ठंडा मैं इसे कर लेती हूँ और यहाँ पर पानी डालकर मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था। ये प्यूरी उसके डिनर के लिए यहाँ पर रेडी हो गई है। इवनिंग में 7:30 PM अराउंड मैं पुच्चू को डिनर करवा देती हूँ और अगेन ल्यूक वॉर्म ही फूड मैं इसे सर्व करती हूँ। थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है और पुच्चू का रनिंग नोज हो गया है तो उसके लिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल प्रिपेयर कर लेती हूँ और इसी से मैं उसकी मसाज करती हूँ। तो अमायरा के टाइम भी मैं सेम ऑयल बनाती थी, इसके दादी ने ही मुझे सिखाया था। तो यहाँ पर सरसों के तेल में 5 से 6 लहसुन की कलियाँ काट कर मैं डाल देती हूँ, साथ में 1 टेबल स्पून अजवाइन और 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मेथी दाना मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छे से इसका सारा फ्लेवर, जितना भी इसका अरोमा है वो सरसों के तेल में आ जाए, उतना बॉईल करते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर छन्नी से इसे छान कर कांच की बॉटल में स्टोर कर लेती हूँ। इस ऑयल से ही मैं आजकल पुच्चू की रात की मसाज कर रही हूँ। इस ऑयल से मसाज सिर्फ रात को करते हैं, कहते हैं कि इस ऑयल से मसाज करने के बाद बच्चों को हवा नहीं लगनी चाहिए, वो अच्छे से पैक होने चाहिए। तो आज मैं पुच्चू के पूरे कपड़े नहीं उतार रही थी बिकॉज़ मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेयर्स पहनाई थी, तो जस्ट मैं इसके कपड़े उठाकर इस तरह से टमी की, बैक की, लेग्स की और पैरों की अच्छे से मसाज मैंने यहाँ पर कर दी थी। विंटर्स में हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा लेयर्स में कपड़े पहनाए होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मैं इस तरह से कपड़े उठाकर पेट की, बैक की, लेग्स की और फीट की मसाज कर देती हूँ और थोड़ा सा ऑयल बालों पर भी लगा देती हूँ।
मसाज करते करते अमायरा पुच्चू के लिए स्टोरीज रीड कर रही थी और पुच्चू भी काफ़ी इंजॉय करता है। उसका ज़्यादा ध्यान बुक्स फाड़ने में लगा रहता है और अमायरा अपनी बुक्स को बिल्कुल टच करने नहीं देती है। पुच्चू को हर नई चीज़ अट्रैक्ट करती है और वो उसे ढूंढता है। लाइक इसको ये बुक बहुत अच्छी लग रही थी, इसके पेजेस को टर्न करना चाहता था और अमायरा इसे अपनी बुक से टच करने नहीं दे रही थी। मैंने एक बार कहा कि प्लीज़ इसे टच करने दो और यहाँ पर जब पुच्चू पेज टर्न करने लगा तो इसने पेज को फोल्ड कर दिया था और अमायरा को अपनी बुक्स बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। यहाँ पर अमायरा का थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था, वो उसे मना कर रही थी कि मम्मा मत दो, ये फाड़ देगा। तो अमायरा काफ़ी अपसेट हो गई थी। मैंने यहाँ से उसे कहा कि नहीं फाड़ेगा, बट ठीक है, मैंने कहा ले लो अपनी बुक वापस, ऐसे अपसेट नहीं होना है। इसके बाद पुच्चू ने फीड लिया। फीड लेने के बाद 10:30 के अराउंड पुच्चू सो गया था। सोने के बाद भी 2 से 3 बार पुच्चू रात को फीड लेता है। तो गाइस, ये था मेरे 6 months 20 days old बेबी का फुल डे रूटीन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।